हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 10th टुडेज इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब्स सम टॉपिक्स ऑफ एसिड्स एसिड्स एंड बेसिस एग्जांपल्स सावर टेस्ट चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड्स एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड्स नाइट्रिक एसिड एस्टिक एसिड्स एंड सम ऑकरिंग एसिड्स एंड बेसिस बीटर इन टेस्ट बेसिस बीटर इन टेस्ट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दीज आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस एंड सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स विनेगर एसिटिक एसिड्स ऑरेंज सिट्रिक एसिड्स लेमन सिट्रिक एसिड्स टमरिंड टार्ट्रिक एसिड्स टोमेटो अगेलिक एसिड सावर मिल्क कर्ड दैट इज लैक्टिक एसिड्स एंड नेटल स्टिंग्स मेथोइक एसिड्स। इसमें वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स के नेम्स एंड नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स हमने प्रोवाइड किया। अब कुछ हम इंडिकेटर चेक करेंगे कि एसिड्स बेस इंडिकेटर एसिड्स बेस इंडिकेटर्स टू इंडिकेटर द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड्स आर बेसिस इन ए सॉल्यूशंस। फर्स्ट लिटमस सॉल्यूशंस litmus solution that is acid base indicator litmus it is a natural indicator litmus ek natural indicator hai it is a purple dye extracted from lichens our litmus ko lichens se apan karte hain other examples are red cabbage colored petal of petunia and turmeric to students ye natural indicator लिटमस जो लाइकेंस अपन करते हैं। इसके बाद कुछ अदर एग्जांपल और हैं जैसे रेड कैबेज है कलर्ड पेटल ऑफ पेशनिया एंड टर्मरिक। इस कभी कभी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम आता है व्हाट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल प्रोड्यूसिंग इंडिकेटर्स सो आर्डर चेंज इन एसिडिक आर बेसिक मैंने ऐसा इंडिकेटर जो एसिड बेस चेंज होने पर उसका आर्डर स्मेल चेंज होता है जैसे ओनियन क्लो ओनियंस एंड क्लो दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एसिड बेस चेंज होने पर अपना कलर आर्डर चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स को एसिड बेस इंडिकेटर्स दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट्स और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आर रेडी आप इसको नोट राइट एंड लर्न कर लेंगे। जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं फर्स्ट के ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस टू रेड नो चेंज नेम ऑफ द इंडिकेटर का नेम यहाँ दिया जा रहा है कलर चेंज विद एसिड एसिड में इसका कलर कैसा होगा कलर चेंज विद बेस और बेस में किस तरह से कलर शो करेगा। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं फर्स्ट पॉइंट ए ब्लू लिटमस जो है एसिड में रेड हो जाता है और बेस में कलर चेंज नहीं करता है। सेकेंड रेड लिटमस अगर रेड लिटमस हम लेते हैं तो एसिड में रेड लिटमस को अगर एसिड में डिप करते हैं तो नो चेंज यहाँ कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन इस रेड लिटमस को अगर हम बेस में मिक्स करते हैं तो टू ब्लू तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है बेस में। टर्मरिक टर्मरिक जो नेचुरल इंडिकेटर है जो आप जानते हैं टर्मरिक एसिड में कोई कलर नहीं देता है लेकिन बेस में यह रेड हो जाता है। सेम ऐसे मेथिल ऑरेंज है एसिड में रेड होगा और बेस में येलो होता है। नेक्स्ट है फिनाफ्थेलिन फिनाफ्थेलिन जो है ये कलरलेस होता है ऑलरेडी ये कलरलेस होता है एसिड में कोई कलर शो नहीं करेगा लेकिन बेस में ये पिंक कलर शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं इंडिकेटर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज इंडिकेटर्स
इंडिकेट टू एसिड एंड बेस पॉइंट्स, जिसमें हमने आपको ए ब्लू लिटमस को हमने शो किया। ब्लू लिटमस एसिड में रेड होता है और बेस में कोई कलर नहीं देगा। सेम ऐसे ही आपका रेड लिटमस है, टर्मरिक है, मेथिल आयरन एंड फिनाफ्थेलिन। तो फिनाफ्थेलिन एंड मेथिल आयरन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट्स, एक एनसीईआरटी में टॉपिक्स आपको दिया है, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स में। एनसीईआरटी बुक में टेबल में इसको बना के दिया है, जिसको हम अभी आपको शो कर रहे हैं, और उसको आप एनसीईआरटी बुक में इसको फिल कर लेंगे इसके हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ एक पॉइंट देख रहे हैं, जो आपको यह पॉइंट यह शो किया जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ आप देख रहे हैं कि एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी में जो एसिड बेस होता है इसको हम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट आपको यहाँ एनसीईआरटी में शो किया जा रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जो है इस फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आप केयरफुल पढ़ेंगे। इसके बाद टेबल आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, टेबल 2.1। अब टेबल 2.1 में आपको जो है ये फिल करना है। जैसे आप यहाँ सैंपल ले लेंगे, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं सैंपल है। सैंपल सपोज कीजिए आपने ए बी सैंपल आपका यहाँ हो जाता है, सैंपल डी हो गया, सैंपल बी हो गया, ठीक है। तो सैंपल ए सैंपल बी सपोज कीजिए एक में आपने एसिड लिया है, बेस लिया है। तो ये एसिड, अगर सैंपल ए आपका एसिड है, ठीक है, और सैंपल बी आपका बेस है, तो रेड लिटमस के साथ एक कैसा बिहेव करेगा एसिड, और ब्लू लिटमस के साथ कैसा बिहेव होगा। फिर फिनाफ्थेलिन जो है एसिड में कैसा बिहेव शो करता है, और मेथिल आयरन एसिड के साथ किस तरह से बिहेव शो करेगा। तो इस पॉइंट को यहाँ जो है इसको नोट करेंगे। सेम इसी तरह से ये जो बी है बेस, रेड लिटमस के साथ बिहेवियर, ब्लू लिटमस के साथ बिहेवियर, फिनाफ्थेलिन के साथ बिहेवियर एंड मेथिल आयरन के साथ बेस का बिहेवियर इसमें आप शो करें किसके, उसके पहले ऑलरेडी हमने आपको नोट्स में शो कर दिखाया है। इसके बाद यहाँ आपको एक पॉइंट शो कर रहा है इसमें, जो आप एनसीईआरटी में लाइन देख रहे हैं कि दीज इंडिकेटर टेल्स अस वेयर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। दीज आर कार्बोफैक्ट्री इंडिकेटर, लेट अस ट्राई सम ऑफ दिस इंडिकेटर। जो यहाँ एक्टिविटी 2.2 आप देख रहे हैं, 2.2 एक्टिविटी को आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ आपको शो किया जा रहा है एक्टिविटी 2.2। फिर स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन आपको फिर प्रोवाइड किया जा रहा है कि विच ऑफ दी वेनिला ओनियन क्लोव कैन बी यूज एज ए ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है कि वेनिला है, ओनियंस है एंड क्लोव है, तो इसमें से ऑब्जर्वेशन बेस पर किसको हम ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर करते हैं। तो ओनियंस एंड क्लोव दीज आर बेस्ट ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर्स। तीसरे से स्टूडेंट्स इंडिकेटर जो है हमने प्रोवाइड किया नोट्स फॉर्म में, और एक्टिविटी 2.2, और उसके बाद ये जो टेबल्स है टेबल को मैं आप फिल कर लेंगे नोट्स के हेल्प से। इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो थैंक्स।